Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love in us. भाइयों और भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पबजी मोबाइल का ये जो पहली वाली ट्रिक है ना यार, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आपकी आंखें जो है ये फटी की फटी रह जाएगी। अब इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि रिजोर्ट में आपको ये जो वाटर टैंक मिलता है, इसके आप सबसे टॉप पर कैसे जा सकते हो। इस ट्रिक को करने के लिए आपको सबसे पहले एक बाइक चाहिए और आपको बाइक को इस रास्ते से भगा के ले आना है। और आपको पर ध्यान रहे, आपको जो जंप है भाई वो इस तरीके से यहाँ पर आपको जंप लगाना है और सही टाइम पर आपको एग्जिट करना है। तो सर देखिए, पहली बार मैंने ये ट्रिक ट्राई की लेकिन मैं भाई फेल हो गया। लेकिन दूसरी बार भी मैंने जब ये ट्रिक ट्राई की, ठीक है, तो यार मैं इस ट्रिक में सक्सेसफुल हो गया। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर या 110 की रखनी है। और यहाँ से जंप लगा के आपको बस राइट टाइमिंग पे आपको एग्जिट दबाना है और बूम गाइस, आप यहाँ पर आराम से आ जाओगे। तो सो यहाँ आने के बाद भाई एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। और यहाँ पर आने के बाद आप अगर ये ट्रिक अपने फ्रेंड्स को बताओगे तो यार वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएंगे और वो हैरान भी हो जाएंगे। और अगर इस साइड पे भी भाई अगर कोई बनता होगा ना, तो आप उसे आराम से नॉक एंड फिनिश दे पाओगे और आपको यहाँ से भाई स्नैकिंग करने का भी काफ़ी मज़ा आएगा। और दोस्तों, जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो हमारी काम कर रही है पुचिंकी में। अब कई बार क्या होता है, इस वाले हाउस में, टू स्टोरी हाउस में बंदा यहाँ पर कैंप करके बैठ रहा होता है, तो आप क्या करते हो, जाके भाई सीधा रश कर देते हो। आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको सबसे पहले यहाँ पर चढ़ना है। यहाँ पर चढ़ने के बाद आप देखिए, मैंने अपनी जॉयस्टिक को भी थोड़ा कलरफुल बना दिया है। आपको बस करना क्या है, यहाँ पर आपको सही तरीके से जंप लगाना है और अपनी जॉयस्टिक को पीछे करके यहाँ पे लेज ग्रैब करनी है। फिर आपको लेज ग्रैब करने के बाद आपको थोड़ा सा पीछे आना है। पीछे आने के बाद आपको यहाँ से स्प्रिंट लॉक करके इस तरीके से आपको यहाँ पे जंप लगानी है, तो आप अपने एनिमी को यहाँ से सरप्राइज अटैक भी दे सकते हो। दोस्तों, ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो ना, तो यार ट्रिक को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मान लो कि आप अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हो और अगर पूरी की पूरी एनिमी टीम ने आप पर भाई दावा यानी कि रश बोल दिया है, ठीक है, रश करने वाले हैं, तो भाई आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको अपार्टमेंट में एकदम से भाई एंट्री मारनी है, तो भी आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। ये भी ट्रिक में आपको बाइक चाहिए और आपको बस बाइक को यहाँ से छलांग लगाना है और आपको एग्जिट कर देना है, तो आप हवा में भाई यहाँ से सीधा ऊपर पहुँच जाओगे। दोस्तों यार, अगर अब तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो यार अब तक वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो। ऐसी ऑसम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। और हाँ भाई, जितनी भी मैंने आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, अब मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं की है। बस कमेंट में ये मत लिख देना कि भाई कॉपी चोर। आजकल बहुत सारे यार जो बंदे हैं ना, ये भाई कमेंट में जाके हेट फैला रहे हैं, तो प्लीज़ यार ये सब हेट फैलाना बंद करो, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारी जो तीसरी ट्रिक है यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। मुझे पता है ये मैंने अपने चैनल पर बताई है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। आपको ये ट्रिक तो भाई जाननी ही चाहिए। आपको इसके सबसे टॉप पर जाने के लिए आपको फिर से आपको एक बाइक चाहिए और बाइक को आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको भाई इस रास्ते से आपको ले जाना है। दोस्तों, मैंने ये ट्रिक कर तो ली थी, लेकिन मेरे पास जो हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। आपको बस सही तरीके से, सही राइट टाइमिंग में, आपको बस जैसे ही आप यहाँ से छलांग लगाओगे, यह ध्यान रखना है, यहाँ से जैसे ही छलांग लगाओगे आपको बस यहाँ पे एग्जिट करना है, तो बूम गाइस आप इसके सबसे टॉप पर आ जाओगे। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप फ्यूचर में यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो, तो भाई अगर आप मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स को कॉपी करते हो, तो भाई खुला कॉपी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार, अगर आप मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स को कॉपी करके अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और अगर आपके भाई पेट में 3 वक्त का खाना जाता है, तो यार इससे ज़्यादा खुशी वाली बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। बस यार कमेंट में, किसी भी यूट्यूबर के कमेंट में हेट मत फैलाना। अगली जो ट्रिक है ना, ये भी यार काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। अब इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, आपको ये जो आपको इस लोकेशन में ये जो आपको एक शेड हाउस, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कमेंट में बताना, इसके आप सबसे टॉप पर कैसे जा सकते हो। इसके लिए, इस ट्रिक को करने के लिए भी आपको भाई एक बाइक चाहिए और आपको बाइक को कुछ इस रास्ते से ले आना है और इस बाइक को आपको 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लाना है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ऑसम ट्रिक है, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना।
अब करना क्या है आपको, बस इस रास्ते से आपको इस बाइक को ले आना है। तो जैसे ही ये बाइक आपको हवा में ले जाएगी, आपको राइट टाइमिंग पे एग्जिट करना है और आप यहाँ पर आ जाओगे। दोस्तों यहाँ पर आके अगर आप चाहो तो बॉट फायर करके भी आप अपने एनिमीज को बुला सकते हो। देखिए जैसे मैंने अभी बुलाया, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अगर साथ वाले घर पे भी अगर एनिमी अगर कैंपिंग करके बैठा हो तो यार आराम से आप उन्हें नॉक एंड फिनिश कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी ट्रिक है, ठीक है। और दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स डेली अपलोड करता रहता हूँ, और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट में अगर आप इंटरेस्ट हो, अगर आप ऐसा कंटेंट देखना अगर आप पसंद करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर इनमें से आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और दोस्तों इससे भी खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे चैनल पर और भी वीडियोस पड़ी हुई है, अगर आप चाहो तो आप इन्हें भी देख सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम ट्रिक्स मैंने इनमें बताई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करना।